Hello students, welcome to today's class. In the last lecture we were talking about the dipole moment of CCL bond is more than dipole moment of CF bond. ठीक है, या तो आप इसको लिखें why CCL bond more polar than CF bond, or I can say why dipole moment of CCL bond greater than dipole moment of CF bond. ठीक है, वो इससे ज़्यादा क्यों होता है, इस क्वेश्चन का हमें जवाब देना है. देखें, आप क्लास 11th में एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ा है, वो ये थी कि डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई डिस्टेंस. ठीक है, बिकॉज CCL bond is larger than CF bond, तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो जाता है then distance or L is large for CCL. ठीक है, वो उसके लिए क्या है, बड़ा है. अगर वो उसके लिए बड़ा है तो इसका मतलब ये होता है, इट मीन्स डाइपोल मोमेंट विल बी हायर. विल बी लार्ज. देखो, डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. लेंथ ज़्यादा तो डाइपोल मोमेंट ज़्यादा. अब CL का साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होने का मतलब है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, बॉन्ड लार्ज होगा. बॉन्ड लार्ज होने का मतलब है उसका डाइपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो दिस वॉज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रीवियस टॉपिक. आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. इसके अंदर जो सबसे पहला मेथड आता है, दैट इज़ योर फ्रॉम अल्कोहल. अल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, अल्कोहल का फॉर्मूला होगा ROH. ठीक है, मतलब हम बेसिकली किसकी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे हेलोएल्केन्स की, ROH. ROH में OH हैज़ नेगेटिव चार्ज. OH, R के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, OH के ऊपर चार्ज नेगेटिव. जैसे ही आप इसके अंदर क्या डालेंगे, कोई भी सोर्स डालेंगे X नेगेटिव का, तो इसका मतलब है OH नेगेटिव बाहर जाएगा और उस OH की जगह क्या आ जाएगा, X नेगेटिव. क्या बन जाएगा, RX प्लस OH नेगेटिव विल मूव आउट. ठीक है, OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास पहला जो मेथड है कि हमने ROH में क्या डाल दिया, HCl डाल दिया. इसको समझना देखो कितना आसान है, R पॉजिटिव OH नेगेटिव, इसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, वाटर प्लस क्या बन जाएगा, RCl. ठीक है, ये जो मेथड है ये रिएक्शन किस में आती है, ZnCl2 की प्रेजेंस में होती है. अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि रोल ऑफ ZnCl2 क्या है, कि ZnCl2 का काम क्या है. ZnCl2 बिहेव एज कैटलिस्ट. ठीक है, अब इसके अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, और वो ये होता है कि आपके पास ये जो टेस्ट है, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इसको मैं रिएक्शन नंबर 1 देता हूँ. रिएक्शन 1 इज कॉल्ड एज लुकास टेस्ट. ठीक है, रिएक्शन 1 का नाम क्या है, लुकास टेस्ट है. और इसका काम क्या है, इसका काम है यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बीच में. अगर आपको डिफरेंस करना हो तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं लुकास टेस्ट का. ठीक है, कैसे, कि टर्शरी अल्कोहल
प्लस एच एक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस फास्ट, ठीक है, बिकॉज टर्शियरी कार्बोकैटायन फॉर्म्स, टर्शियरी कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड विच इज मोस्ट स्टेबल, देखिए आप यहाँ पर एक बात भूल रहे थे, मैं उसको फिर से समझाता हूँ कि आर ओ एच को तोड़ा था आपने आर पॉजिटिव ओ एच ने के लिए, जब आर मतलब कार्बन, आर मतलब कार्बन, उसके ऊपर चार्ज क्या है पॉजिटिव, उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आने का मतलब है अगर आर पॉजिटिव स्टेबल होगा तभी रिएक्शन जाएगी, अगर आर पॉजिटिव बनता ही ना हो तो ओ एच नेगेटिव भी टूटेगा नहीं। अब यहाँ पर देखें कि अगर मान लो एक बार टर्शरी अल्कोहल आपने लिया तो वहाँ टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल आपने लिया प्लस एच एक्स तो रिएक्शन क्या होती है स्लो होती है एंड टेक्स प्लेस इन 5 to 10 minutes, कि 5 से 10 मिनट का टाइम लग जाता है उसको कंप्लीट होने में, ठीक है। यहाँ डालते ही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल, तो उसके बनने के चांसेस भी क्या होते हैं बहुत कम होते हैं। अगर आपके पास हो प्राइमरी अल्कोहल प्लस एच एक्स आप डालते हैं उसमें तो रिएक्शन में क्या होगी, रिएक्शन के अंदर ये आप कर सकते हैं इसके अंदर या तो डू नॉट टेक प्लेस, और कुछ टर्बिडिटी सी आ जाती है, टर्बिडिटी या फिर ऑयली ऑयली सा आपके पास हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बिकॉज प्राइमरी कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबल, कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबल, कि वो स्टेबल नहीं है तो उसके बनने के चांसेस भी यहाँ पर कम होते हैं। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्कोहल वो क्या है, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक याद भी रखना है, नोट, फिनोल यानी कि बेंजीन रिंग के साथ OH डोंट गिव दिस रिएक्शन, कि वो ये रिएक्शन नहीं शो करता, क्यों नहीं करता, इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है कि भाई क्यों नहीं करता, बिकॉज अगर आपने यहाँ से OH को बाहर निकाल दिया तो आप क्या बनाएंगे, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस OH नेगेटिव, जैसे हम ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नॉट स्टेबल, अगर ये स्टेबल नहीं है, जैसे प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं है ऐसे ही फिनाइल कैटायन भी स्टेबल नहीं होता, अगर स्टेबल नहीं होता तो इसके बनने के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। अल्कोहल में ही थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं चीज़ें, देखें क्या आता है आपके पास, यू हैव आर ओ एच, यू एड हेयर एन ए बी आर प्लस एच टू एस ओ फोर, देखिए रिएक्शन क्या होगी, आई कैन ब्रेक इट एज आर पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, ऐसे ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन ए पॉजिटिव बी आर नेगेटिव, एच टू एस ओ फोर विल एच पॉजिटिव एंड एस ओ फोर एच एस ओ फोर नेगेटिव, ठीक है। मैं एक ही तोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ सोडियम भी एक ही यूज़ किया, अगर सोडियम मैं दो यूज़ करता तो मैं दो तोड़ सकता था, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ तो क्या बन जाएगा, आर बी आर, ओ एच किसके साथ जाएगा, एच पॉजिटिव के साथ, क्या बना लेगा, वाटर, पीछे क्या बच गया, एन ए पॉजिटिव एंड एच एस ओ फोर एन ए एच एस ओ फोर, बड़ी सिंपल सी ये रिएक्शंस हैं, नो नीड टू क्रैम। चलिए नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, आर ओ एच में हमने डाला पी सी एल फाइव, पी सी एल फाइव, पी सी एल फाइव में देखें क्या होता है, इसको आप तोड़ सकते हैं कैसे, आर पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव
ऐसे ही आप इसको तोड़ सकते हैं, पी पॉजिटिव और सी एल नेगेटिव, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव किसके साथ, इसके नेगेटिव के साथ क्या बना लेगा, आर सी एल, ठीक है, आर सी एल। पहले मैं यहाँ पी सी एल थ्री कर रहा हूँ क्योंकि इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। अब पी के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव है, थ्री पॉजिटिव, और ओ एच के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, तो क्या बना लेगा, पी ओ एच थ्राइज या फिर एच थ्री पी ओ थ्री। आप इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं, बोथ विल बी राइट वन। ऐसे ही वी हैव आर ओ एच, ये सब अल्कोहल की ही रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं। हमारे पास क्या है, पी सी एल फाइव, पी सी एल फाइव भी हमें क्या देगा, आर सी एल प्लस यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा जाएगी एच सी एल, और क्या रह जाएगा, पी ओ सी एल थ्री, ठीक है। इस रिएक्शन के प्रोसीड करने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पर अलग होता है, बट कॉमन पॉइंट इज दिस कि यहाँ भी आर सी एल है और यहाँ पर भी आर सी एल है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करो तो वो क्या होगा, देखें, आर ओ एच प्लस पी के पास है पाँच सी एल, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर फॉस्फोरस के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्या बन जाएगा, आर ओ एच पी के साथ क्या है, पी मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, पाँच। अगर ऑक्सीजन ने उसको अप्रोच किया बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसको एक एक क्या करना पड़ेगा, एक क्लोरीन को बाहर भेजना पड़ेगा, एक सी एल को बाहर भेजना पड़ेगा, उसके पास कितने बच जाएंगे, चार, तीन और एक चार, एक सी एल बाहर चला गया। जो सी एल बाहर गया है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज किया पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए वो क्या करेगा, हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़वाएगा, और जो सी एल नेगेटिव बाहर गया था वो इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, एच सी एल, क्या बन गया, देखो, आर ओ पी, अब इसके साथ है चार सी एल। अब ऑक्सीजन क्या करता है, मजबूर करता है फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो मतलब है कि यहाँ से फिर से एक क्लोरीन बॉन्ड तोड़वा के बाहर जाएगा, जब बाहर जाएगा तो वो किसके साथ जुड़ जाएगा, आर के साथ, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर चार्ज क्या आने वाला है, नेगेटिव, आर के ऊपर चार्ज क्या आने वाला है, पॉजिटिव, क्या बना लेगा, आर सी एल प्लस पी ओ सी एल थ्री, ठीक है। और एच सी एल आप पहले ही बाहर निकाल चुके हैं। फिर से मैं बता देता हूँ कि कॉमन पॉइंट क्या है दोनों में, पी सी एल थ्री और पी सी एल फाइव में, कि भाई ये जो ओ एच है, दिस गेट्स रिप्लेस्ड बाय सी एल। चलिए नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। नेक्स्ट इज़ योर आर ओ एच, आर ओ एच में आपने क्या डाल रखा है, आपने डाला एक्स टू, ठीक है। एक्स की जगह क्या क्या हो सकता है, या तो बी आर टू हो सकता है या फिर आई टू हो सकता है, किसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो डोंट बॉदर अबाउट दिस, मुझे एक्स दिखाई दिया, मुझे ओ एच दिखाई दिया, यानी कि ओ एच विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स, ठीक है, और क्या बना लेगा, आर एक्स। आई डोंट केयर अबाउट द साइड प्रोडक्ट, मुझे सिर्फ मेन प्रोडक्ट से मतलब है, मुझे एक्स टू दिखाई देना चाहिए, ओ एच दिखाई देना चाहिए, यानी कि ओ एच एवरी टाइम ओ एच विल गेट रिप्लेस्ड बाय एक्स, ठीक है। ऐसे ही आर ओ एच प्लस एस ओ सी एल टू, यहाँ से देखें, दिस ओ एच विल बी रिप्लेस्ड बाय सी एल, ओ एच विल बी रिप्लेस्ड बाय सी एल। अब यहाँ से क्या रह गया, देखो, यहाँ से मेरे पास एक एच है और एक सी एल है, एच सी एल बाहर चले जाएगा और एस ओ टू बाहर चला जाएगा, एस ओ टू गोज़ आउट इन द फॉर्म ऑफ सी एल, सॉरी गैस, और एच सी एल ऑल्सो गोज़ आउट इन द फॉर्म ऑफ गैस। दिस मैथड इज प्रेफर्ड, दिस मैथड इज प्रेफर्ड बिकॉज साइड प्रोडक्ट goes out in the form of gas, ठीक है। तो बीकर आपके पास क्या रह जाता है, खाली रह जाता है, खाली रहने की वजह से ही वो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्योर, सो प्योर आर एक्स इन बीकर, ये बीकर के अंदर प्योर आर एक्स रह जाएगा आपके पास, ठीक है, इसलिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। सेकेंड मेथड देखें, इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, फ्रॉम अल्कोहल, अब हम करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यानी कि दूसरा मेथड क्या है, हाइड्रोकार्बन से हम इनको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने लिया
CH3, CH2, CH2 and CH3. What I do is I add Cl2 in the presence of sunlight, ठीक है, UV light, या फिर मैंने क्या किया, heat किया, दोनों में से कुछ भी किया जा सकता है. तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर sunlight है. अगर sunlight है तो इसका मतलब है, देखो hydrocarbon है, और इसकी starting में ही हमने एक बात कही थी कि भाई hydrocarbon में जो H होता है, H get replaced, H gets replaced by X. कि H की किससे replacement हो जाती है, X से replacement हो जाती है. जब X से replacement हो जाएगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखें CH3, CH2, CH2, CH2 and X, ठीक है. मतलब मैंने इस हाइड्रोजन को बाहर भेज दिया, या फिर एक और भी तो पॉसिबल है भाई, इस हाइड्रोजन के अलावा ये हाइड्रोजन भी तो बाहर जा सकता था. हमारे पास क्या बन जाता, CH3, CH2, CH के साथ आ जाता X और CH3. अब कई सोचेंगे सर ये भी तो रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप ये रिप्लेस करेंगे तो फिर से यही कंपाउंड बना के लेके आएंगे. यू कैन प्रिपेयर दैट कंपाउंड एंड व्हेन यू कंपेयर द नेम, नेम इज़ गोइंग टू बी सेम. नेम क्या होता है, नेम सेम होता है. सेम होने का मतलब है सेम कंपाउंड है, अदरवाइज तो नेम सेम आएगा नहीं. अब ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस, दिस मैकेनिज्म टेक्स प्लेस बाय फ्री रेडिकल. जैसे हमने कहा हाइड्रोकार्बन में तोड़ दिया था ना, सॉरी अल्कोहल में तोड़ दिया था ना, R पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है, यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ पर बनेगा आपके पास फ्री रेडिकल बनने वाला है. तो इसके लिए काम की बात क्या हुई, काम की बात ये हुई कि भाई अगर सारा का सारा हाइड्रोकार्बन है और आपने Cl2 डाल दिया, फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं, सिर्फ H को रिप्लेस करो किस से, X से, ठीक है. यहाँ पर एक याद रखने लायक बात नोट क्या है कि ऑर्डर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ H इज के टर्चरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. के मान लो एक कंपाउंड है मेरे पास CH3, CH3, CH2, CH3, और यहाँ पर है एक, ये H कैसा है, दिस इज टर्चरी, ये कैसा है प्राइमरी, ये कैसा है प्राइमरी, ये भी कैसा है प्राइमरी, जबकि ये कैसा है सेकेंडरी, क्योंकि जिस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ वो टर्चरी है, इसलिए मैं इसको भी क्या बोलता हूँ, टर्चरी बोलता हूँ. यानी कि अगर आपने इसके अंदर X2 डाला तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ये होगा कि सबसे पहले ये H बाहर जाएगा, उसके बाद ये H बाहर जाएगा, उसके बाद इनका चांस बनेगा, ठीक है. लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है, इस मेथड की लिमिटेशन इज दिस, वी गेट मिक्सचर, वी गेट मिक्सचर. जैसे इसके अंदर ये भी बनेगा, ये कंपाउंड भी बनेगा और ये भी बनेगा, तो मिक्सचर बन गया. मिक्सचर बन गया तो हमारा काम बढ़ गया कि भाई पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा. प्योरीफाई करने का मतलब है हमारा काम बढ़ेगा, ठीक है. इसलिए हम इस मेथड को यूज़ नहीं करते, सो नॉट प्रेफर्ड, कि हम इसको प्रेफर नहीं करते, हम इसके अलावा कोई और मेथड कर लेते हैं. ऐसे ही देखें एक और मेथड होता है, अच्छा क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल से काम हो रहा है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन भी बोलते हैं. फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन रिप्लेस होगा, लेकिन किसकी हेल्प से, फ्री रेडिकल की वजह से. ऐसे ही देखें एक और बड़ी अच्छी सी रिएक्शन है मेरे पास, हमारे पास आती है कि बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या है, CH3. तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर बहुत सारे हाइड्रोजन से, अगर मैं इसके अंदर क्या डालूं, X2 डालता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो देखो क्या होगा कि लाइट की प्रेजेंस में साइड चेन में से, कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल जाएगा CH2X, ठीक है. मतलब सब्स्टिट्यूशन इन साइड चेन के, सब्स्टिट्यूशन तो हुई लेकिन कहाँ हुई, साइड चेन के अंदर हुई. लेकिन इसी में हम लोग क्या करें, इसी में अगर
लाइट की बजाय हम लोग इसको किस में कराते हैं, डार्क में कराते हैं। अगर हम इसको किस में कराते हैं, डार्क में कराते हैं, तो देखो यहाँ से जो चीज़ बनती वो क्या बनती, वो बनती बेंजीन रिंग एज इट इज़ CH3X, या फिर वो बनता CH3X, या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर वो पैरा पोजीशन पर। यानी कि डार्क में कहाँ हुई, डार्क में जब रिएक्शन हुई, सो Fe इज यूज्ड, Fe इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, यहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, Fe डालना पड़ेगा, ठीक है। और कहाँ होगी सब्स्टिट्यूशन, एट बेंजीन रिंग, सब्स्टिट्यूशन एट बेंजीन। इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये देखना है कि अगर रिएक्शन डार्क में हुई है, अगर रिएक्शन किस में हुई है, डार्क में हुई है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन कहाँ करानी है, बेंजीन रिंग के किसी हाइड्रोजन को हटाना है। लेकिन अगर लाइट में हुई है तो आपको क्या करना है, साइड चेन के कार्बन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, Fe चाहिए। और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ की और ज़रूरत पड़ती है, और वो क्या होती है, वो होती है कि भाई यहाँ पर किसी लेविस एसिड की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन, दीज आर द टू मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट एंड वी विल डू सम मोर प्रिपरेशंस, ठीक है। सो टिल देन बाय, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड एज यू नो सब्सक्राइब।